the girls with their nails done now. इसने सेकंड हैंड ली है इस लड़के ने। हेलो गाइस, इट्स मी हेमंत एंड मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, ये मेरी बाइक नहीं है, ये मेरे एक फ्रेंड की बाइक है। सो ही टोल्ड मी दैट मेक अ वीडियो रिलेटेड टू दिस बाइक एंड मैंने बोला क्यों नहीं, और मैंने हाँ भर दिया कि हाँ चलो एक वीडियो इस पर बनाते हैं। और इस गाड़ी की बात करें तो ये दिस इज़ द सेकंड हैंड बाइक उसने ली है, अभी ली है अराउंड 2 to 3 months हो गए। So guys, this bike is Thunderbird 350X. The front you can see, it's looking very beautiful. That there is a complaint that there is a heat issue and vibration, but it's not like that. It's very good, and there is no pain in shoulder and back. Let me tell you the specification of this bike. So this bike has 20 PS power and 28 Newton of torque, 20 liter of fuel tank. There is a 5-speed gearbox. This is a top speed of 130 km per hour. The exhaust is very smooth and the mileage is 35 km per liter. So, अब main point ये है कि second hand लेना चाहिए कि नहीं। जब कोई बाइक लेता है तो मेन चीज़ क्या होती है बाइक लेने से पहले, हम ये देखते हैं कि बाइक में कोई रीपेंट या पेंट कुछ हुआ तो नहीं है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि बाइक कितने किलोमीटर चली है। बट आई थिंक किलोमीटर्स में कभी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। थर्ड पॉइंट है चेक द सर्विसिंग, जो बाइक है वो टाइम से सर्विसिंग हुई है या नहीं हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ टायर चेक करना। 20,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, देन आई विल सजेस्ट यू टू चेंज द टायर। इसमें अराउंड आपके सामने और पीछे के टायर दोनों मिला के 5,000 रुपीज लगेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज चेक द साउंड ऑफ इंजन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम थ्रोटल करते हैं तब साइलेंसेस से स्मोक नहीं आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैंने गाड़ी चालू कर दी है, आप देख सकते हो मैं जब थ्रोटल करता हूँ तो इसका साउंड देखिए आप, ब्रो खतरनाक। Yeah, it's very good though, very good. And so guys, in the end I will say that don't buy Thunderbird 350X. In the same price you can buy Royal Enfield Hunter 350cc and you can buy Meteor as well. So guys, now I am ending this video and for more videos please subscribe my channel